नहीं करेगा, ये मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर मुर्मू ने भी कहा कि अब पांच साल की मियाद उसके पास होती है, वो अपने आप को बचाने में, अपने सर्वाइवल में ही वो ज्यादा समय उसका चला जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि मंडल तो आ गया, लेकिन मंडल के बाद दो चीजें सबसे ज्यादा अगर मांग करने वाले जो लोग हमारे बीच में रहे बहुजनों के नेता, वो क्या रहे, क्या मांग की उन्होंने, सवर्णों के लिए आरक्षण। सवर्णों के आरक्षण की मांग किसने की? अगर आप सबका इतिहास उठा के देख लीजिए तो सबने मांग की 10% आरक्षण दे दी, एक आरक्षण गरीब सवर्णों का आरक्षण दे दिया। दूसरा कि आरक्षण को आपने सुनिश्चित नहीं किया कि यह लागू होगा, केवल संसद में पारित होने से नहीं होगा, उसका पूरा ढांचा जो बना हुआ है वर्चस्व का, वो तो आपको वो हिस्सा लेने नहीं देगा और आप वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरह आपने काम क्या किया, मांग करनी शुरू कर दी निजीकरण। निजीकरण में आरक्षण कैसे हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो एक तो पॉइंट ये कि हमें ये लगता है कि लीडरशिप जो राजनीति में है उनकी सीमाओं को हमको समझना चाहिए और उनके ऊपर भी दबाव बनाने के लिए जब तक कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और जो बन रहा है 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल को देखा गया पिछले साल और इस बार 5 मार्च को देखा गया, ये जो सोशल फोर्सेज अपना स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगी तब तक कानून भी बनाया तो कानून भी वो लागू नहीं होगा जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। एक बात को मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो सामाजिक न्याय है वो केवल आरक्षण नहीं है, आरक्षण जो है वो केवल प्रतिनिधित्व नहीं है, ये मैं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि कंटेंट चेंज होना चाहिए, केवल प्रतिनिधित्व नहीं है सामाजिक न्याय, ये कंटेंट चेंज होना चाहिए। और कंटेंट ये चेंज करने का काम समाज का जब तक ये वर्ग नहीं खड़ा होगा, ये सचेत नहीं होगा, तब तक ये कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, कंटेंट चेंज नहीं होता दिखाई दे रहा। तीसरी बात, एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींचनी पड़ेगी। एक वो लाइन है हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय। आप अगर हिंदुत्व के साथ देखिए सांप्रदायिकता जो है वो किसके लिए तैयार हुआ है, हथियार किसके लिए तैयार किया गया है, वो तैयार किया गया है सामाजिक न्याय की लड़ाई को मारने की लड़ाई के लिए हथियार तैयार किया गया। और ये बात आप जब मंडल कमीशन आया तब भी आप देखिए कि मंडल रथ निकल गया, जब कर्पूरी जी एक लाए, राम नरेश यादव जी लाए, तब क्या हुआ, तब भी आपको सरकारें गिरा दी गई, चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई। और इसके पहले जो पूरा 1925 में जब कहा गया, आप तो चले थे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, जो सत्याग्रह नहीं कर रहे थे, राष्ट्र का निर्माण करना है, लेकिन एक धारा जो हिंदुत्व की धारा वो क्या कर रही है, नहीं आंतरिक दुश्मन है हमारे देश में, आपको उसने लड़ाई में उलझा दिया, आप चले थे बनाने के लिए, और वो जो लड़ाई में उलझाया, क्यों लड़ाई में उलझाया, क्योंकि आप बराबरी की मांग कर रहे हैं। तो एक बात हमको बहुत ही स्पष्ट लाइन करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी कि यह जो सामाजिक न्याय के भीतर जो हिंदुत्व की जो धारा है उसके खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ना पड़ेगा। जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट लाइन खींची। जब जनता पार्टी ये बनी, किस लाइन पर बनी, दोहरी सदस्यता का सवाल क्या था, वही सवाल था जो जयहिंद जी भी कह रहे थे कि आप आयोग का जो सिफारिश लागू करने का जो आपने वादा किया था नहीं किया, वो कौन सी शक्तियां थी, वो यही थी। और जब लोकदल बना तो उसने क्या किया, उसने एकदम साफ तौर पर ऐलान किया कि भारतीय राजनीति में बहुजनों की राजनीति कोई की लाइन सीधी खींचनी पड़ेगी। और वो जो विरासत है ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया तक, उस विरासत से आपको जोड़ना होगा, वही आपका भविष्य है। ये बात बहुत साफ तौर पर लोकतंत्र की स्थापना ही सीधी उस समय हुई थी, लेकिन हमने देखा कि हम लगातार जो हमारे सामने जो हमारा हक छीना जा रहा है हम उसको फॉलो करते हैं, हम कोई वैकल्पिक राजनीति उनके सामने नहीं रखते। वो हमेशा कोई ना कोई 13 पॉइंट रोस्टर, जैसा ही डॉक्टर मुर्मू कह रहे थे कि 100 तरह के 13 पॉइंट रोस्टर है हमारे बीच में, यानी कि आपके अंगूठा काटने के कितने सारे उपाय किए हुए हैं, आपको इस अंगूठे को हमको पहचानना करना पड़ेगा कि कौन अंगूठा किस समय किस रूप में मौजूद है जिसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं बात जो कहना चाहता हूँ, जो दो लाइन बस दो बातें करके अपनी खत्म करूंगा, जिस तरह से ये सब प्रयास हो रहे हैं उस तरह से एक प्रयास हम लोग को करना चाहिए और 5 साल में कम से कम 2 बार वो होना चाहिए। सोशल जस्टिस इंडेक्स
सोशल जस्टिस इंडेक्स की एक स्थापना करेगा कि सोशल जस्टिस के आधार पर कोई भी जो मंत्री है और पूरी सरकार जो है उसका क्या रवैया रहा, वो कितना उसके हक में काम की। कम से कम ये रिपोर्ट हम लोग को 5 साल में एक बार मिड टर्म में और ये चुनाव के पहले हम लोग को जारी करना चाहिए, सोशल जस्टिस इंडेक्स। और दूसरी बात, किसके लिए झगड़ा होता है मंत्रिमंडल में? मंत्रिमंडल में झगड़ा होगा रेल मंत्रालय के लिए। हमारे यहां मानव संसाधन मंत्रालय के लिए झगड़ा नहीं होगा। हमारे यहां झगड़ा इस बात के लिए नहीं होगा कि सूचना और प्रसारण मंत्री मिले। हमारे यहां झगड़ा इस बात के लिए नहीं होगा कि हमको संस्कृति मंत्री मिले, कानून, ये सब कानून मंत्रालय मिले। ये सब माना जाता है कि ये सब तो डिफरेंट है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको बहुजन के जो पूरा अभी जब जो डिस्कोर्स बन रहा है, जो नई सरकार बनेगी, जब भी जो भी सरकार बनती है, उसमें कम से कम हमको 5-6 मंत्रालयों के बारे में ये टारगेट करना चाहिए कि बहुजनों के हाथ में हो। और पहला उसमें होगा मानव संसाधन मंत्रालय पहला होगा, ये बात हमको स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा मंत्रालय जो होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और तीसरा जो होगा वो कानून मंत्रालय होगा, कारपोरेट मंत्रालय होगा, संस्कृति मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, लेकिन गृह मंत्रालय होगा। रक्षा मंत्रालय नहीं होगा लेकिन गृह मंत्रालय होगा। मुझे लगता है कि हम तमाम समाज के लोगों को ये एजेंडा तय करके इस चुनाव में ये बात बहुत जोर शोर से स्थापित करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको जाने की जरूरत पड़ती है, 13 रोस्टर पॉइंट होता है नेताओं के पास। नेताओं के इर्द गिर्द का जो पूरा माहौल बना हुआ है उसको थोड़ा सा आप माहौल समाज जस्टिस फ्रेंडली बनाने की कोशिश कीजिए। हमको जाने की जरूरत नहीं पड़े उनके पास कि 13 पॉइंट रोस्टर है, इसका बहुत खतरनाक अंजाम नतीजा निकलने वाला है, आप बचा लीजिए। आप कैसे हमारे प्रतिनिधि हैं? कम से कम इतनी संवेदना तो आपके पास होनी चाहिए, इतना तो आपकी इर्द गिर्द का ऐसा माहौल होना चाहिए आपके इर्द गिर्द कि हमको जो भी समाज में घटित हो रहा है और जो समाज को जिससे नुकसान होने जा रहा है उसकी स्वतः संज्ञान हम लेकर आगे बढ़े। कम से कम ये तो एक माहौल होना चाहिए। आप सोशल जस्टिस के वर्करों को अपने इर्द गिर्द रखें, चापलूसी संस्कृति के जो वाहक हैं अगर उनको अपने इर्द गिर्द रखेंगे तो समाज का भला नहीं करेंगे, आप अपनी कुर्सी को बचा लेंगे। इसलिए मैं साथियों इस समाज पर मेरा भरोसा 2 अप्रैल के बाद और ये 5 मार्च के बाद बहुत ज्यादा जगह है। और मैं ये समझता हूँ कि समाज ये लीड करने लगेगा तो नेता तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नेता में तो फिर कोई बात ही नहीं। और साथियों मैं एक जानकारी केवल आपको दे के खत्म ही बात करूंगा, हम लड़ाई उनकी जरूर लड़ते हैं जो लड़ाई स्कूल में आ जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कॉलेज में नहीं पहुंचते हैं उनकी संख्या केवल मैं आपको बता देता हूं। और ये बड़ा एक एजेंडा हमारे बीच में आ जाए, मुझे एक रिसर्चर ने एक जानकारी दी, केवल 10% से 11% के बीच ओबीसी के स्टूडेंट 12वीं तक पढ़ पाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र से बाहर फेंक दिए जाते हैं। वो ड्रॉप आउट नहीं है, पुश आउट है, उनको हम बाहर ढकेल देते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। आदिवासी जो है वो 6-7% ही केवल 12वीं तक रैंकिंग पाते हैं, बाकी सबको बाहर फेंक देते हैं। दलित जो है, जो अछूत जातियां जो कही जाती रही है, वह 8-9% ही रहती है 12वीं तक, उसके बाद वो बाहर सब फेंक दी जाती है। मुझे लगता है कि भविष्य में हम लोगों को इन तमाम बातों पर अगर हमको स्वस्थ और सुंदर समाज बनाना है तो हमको इस तरह के एजेंडों पर बातचीत करनी पड़ेगी। आपने मुझे सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।